आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन जो है NLC इंडिया लिमिटेड में आई हुई है, और इसमें हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको एवरीडे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे वैकेंसीज़। तो यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज़ होगा, राइट। और यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस में देखें तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड में वैकेंसीज़ हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में देखें तो यहाँ पे 70 वैकेंसीज़ हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में देखें तो 10 वैकेंसीज़ हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में 10 वैकेंसीज़ हैं। सिविल में आपका 35 वैकेंसीज़ हैं। मैकेनिकल में 75 वैकेंसीज़ हैं। और कंप्यूटर साइंस में टोटल 20 वैकेंसीज़ हैं। और केमिकल में टोटल 10 वैकेंसीज़ हैं। और माइनिंग में टोटल 20 वैकेंसीज़ हैं, राइट। और यहाँ पे सभी ट्रेड को ऐड करके यदि वैकेंसी देखा जाए तो 250 वैकेंसीज़ हैं। और इसमें जो है 1 साल का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है यहाँ पे 15,028 रुपीज़ पर मंथ की स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा। और अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए। तो इसमें जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो 85 वैकेंसीज़ हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में देखें तो 10 वैकेंसीज़ हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में 10 वैकेंसीज़ हैं। सिविल में 35 वैकेंसीज़ हैं। मैकेनिकल में 90 वैकेंसीज़ हैं। और कंप्यूटर साइंस में 25 वैकेंसीज़ हैं। और माइनिंग में आपका जो है यहाँ पे 30 वैकेंसीज़ हैं। और फार्मेसी में आपका यहाँ पे 15 वैकेंसीज़ हैं। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 300 वैकेंसीज़ हैं, राइट। और इसमें भी आपका जो है 1 साल का ट्रेनिंग होगा। और अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे क्वालिफिकेशन। तो इसमें जो है यदि आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए फॉर्म फिल करते हो तो जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल करोगे उस स्टेट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, राइट। और यदि आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए फॉर्म फिल करते हो तो जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल करोगे उस स्टेट से आपका जो है यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ कंडीशन है तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो स्टूडेंट आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, पांडुचेरी एंड लक्षद्वीप के स्टूडेंट हैं वही फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदर स्टेट के स्टूडेंट फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट 2019, 2020 और 2021 में पास आउट हुए, राइट, वही यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। जैसे आपने डिप्लोमा किया है या फिर ग्रेजुएशन किया है, राइट, तो उसमें जो भी रिजल्ट है उसके बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। कोई भी इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। यदि आप लोग एलिजिबल हो तो फॉर्म को जरूर फिल कीजिए, राइट। और यहाँ पे रजिस्टर कैसे करना है, यहाँ पे स्टेप वाइज दिया हुआ है, आप इसको चेकआउट कर लेना। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको प्रिंट आउट कर लेना है रजिस्ट्रेशन का, राइट। उसके बाद आपको जो है मैं एक फॉर्म दिखाऊंगा उसको फिल करना है। रजिस्ट्रेशन कॉपी का जो है जीरोक्स उसके साथ लगाना है। फॉर्म को अच्छे से फिल करना है। सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट में चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको चेक कर लेना। उसके बाद आपको जो है सेंड कर देना है इस लोकेशन पे, राइट। और ये आपका जो है यहाँ पे 15 फरवरी तक हो जाना चाहिए, राइट। तो आपके पास टाइम है, आप अच्छे से फॉर्म फिल कीजिए। और सिलेक्टेड स्टूडेंट का जो है लिस्ट जो है यहाँ पे 12 मार्च तक आ जाएगा। और मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। इस तरह का फॉर्म होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो है आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए है। और यहाँ पे दूसरा फॉर्म एक और है जो आपका जो है यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए, राइट। तो आप फॉर्म फिल कीजिए और यदि कोई इशूज़ होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।